ਹਰਮੋਹਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਿਆਜ਼ ਆਟੇ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਡਬਲ ਡਬਲ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 900 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਡਬਲ ਰੇਟ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਣ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੋ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਵੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੁਗਰਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਸੋਚੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੋਚੇਗੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਉਸਸੇ ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਥੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਿਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ये सब जानते हैं कि सीएम हमारे जो मान्य महोदय अमरिंदर सिंह जी हैं उन्होंने चार सालों में कुछ भी नहीं किया है और वो कुछ भी नहीं करेंगे और आगे भी उनसे यही उम्मीद है क्या रहती होनी चाहिए आपके देखिए जैसे बिजली की दरों में कटौती होनी चाहिए स्टेट लेवल के हिसाब से हमारे पंजाब में सबसे ज़्यादा जो बिजली की दरें हैं सबसे ज़्यादा पंजाब में ही हैं अगर ऑल स्टेट की बात मैं करूं तो बिजली में वो चाहे मिडोकर फैमिली हो चाहे आपकी हाई हो या मतलब कि एक गरीब लोगों की मैं बात करूं तो सबको इस बिजली का बिल तो सबको देना पड़ता है ठीक है ना तो मैं चाहती हूँ कि उसमें कटौती होनी चाहिए सिलेंडर के जो भाव बढ़ रहे हैं या पेट्रोल का जो आजकल बढ़ रहे हैं तो सब में कटौती होना जरूरी है कैसा बजट पेश होना चाहिए जिससे महंगाई कम हो सके आम जनता को देखकर और जो पिछले साल कोरोना को लेकर लोग जूझे हैं उनको लेकर केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं और हम चाहते हैं कि वो केंद्र सरकार की भी योजनाएं अगर यहाँ पंजाब में चलाई जाएं तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा मैडम क्या नाम है आपका मेरा नाम पूनम है पंजाब सरकार बजट पेश कर रही है उससे आपको क्या उम्मीद है देखिए पिछली बार से तो इस बार हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जैसे हम लोग चाहते हैं कि सिलेंडर सस्ता हो बिजली सस्ती हो खाने पीने की चीज़ें जैसे कि फल सब्जियां अनाज ये वो हम चाहते हैं कि सस्ता हो पंजाब सरकार की पिछले समय की कारगुजारी से क्या लगता है कि कैसा बजट पेश होगा हमें लगता है कि पिछली बार से इस बार अच्छा रहेगा क्योंकि पिछली बार जो है वो लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे तो इस बार लगता है कि पिछली बार से अच्छा बजट रहेगा इस तरह की रहते होने चाहिए नेचुरली है कि गैस सस्ती हो सब्जियां सस्ती हो बिजली सस्ती हो खाने पीने का सामान जो भी है वो सस्ता होना चाहिए किस तरह से बजट से महंगाई कम होगी जो महंगाई है जैसे नेचुरली है कि गैस सस्ती हो बिजली सस्ती हो हर किसी को हर कोई इंसान नौकरी चाहता है पढ़े लिखे भी बेरोजगार बैठे हुए हैं सभी नौकरी चाहते हैं थैंक यू मैम हाँ जी सर थोड़ा की नाम देवराज पंजाब सरकार का बजट आ रहा है आपको उससे क्या उम्मीदें हैं उम्मीदें तो कोई नहीं है ज़रा भी उम्मीदें नहीं है महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर सकते और केजरीवाल महंगाई कंट्रोल कर सकता है पंजाब सरकार की पिछली कारगुजारी से आपको क्या लगता है कि वो कैसा बजट पेश होगा देखो जी ये जो बिजली का है बिजली किसी को फ्री होनी नहीं चाहिए तो इसमें जो है महंगाई एक्चुअली कम हो ही जाएगी जब सबको बिजली फ्री का किसी को भी ना हो कितने महकमे हैं जिनको फ्री बिजली चल रही है किस तरह की रियायतें चाहते हैं आप ये तो एक तो रियायत मैं बता ही दी आपको कि बिजली जो है बाकी ये जो गैस है ये अपनी तरफ से कुछ रहते करे पंजाब है तो पंजाब अपनी तरफ से रहत करे बिजली को ये क्या नाम है गैस को
पेट्रोल को अपनी तरफ से भी कुछ कम करे तो कुछ पब्लिक को पता लगेगा कि ठीक हो रहा है कुछ। किस तरह के बजट से महंगाई कम होगी ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको किस तरीके से बजट की महंगाई है। क्या क्या चीज़ें सस्ती मतलब होना चाहिए इस महंगाई कम हो? सस्ती हैं तो तकरीबन फिर सभी हो जाएंगी। जो आपकी बिजली कम हो जाएगी, गैस कम हो जाएगा, पेट्रोल कम हो जाएगा तो काफ़ी राहत तो उसी से ही मिल जाएगी। सर अपना नाम सर? हाँ जी मैं चंद्र प्रकाश अमृतसर तो। पंजाब सरकार का बजट आ रहा है इससे आपको क्या मिलते हैं? इससे हमें एज ए मैं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लाई हूँ तो मुझे सबसे पहले उम्मीद है पे कमीशन की, क्योंकि काफ़ी समय से हमारा पे कमीशन पेंडिंग है तो हमें यही उम्मीद है कि इस बार हमें क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है और काफ़ी देर से हमारा ये मसला पेंडिंग भी है हमें पे कमीशन ज़रूर मिलेगा। पंजाब सरकार की पिछले समय की कारगुजारी से क्या लगता है कि आपको कैसा बजट होगा? पंजाब की पिछले जो कारगुजारी है वो डेवलपमेंट के हिसाब से, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, स्मार्ट स्कूल काफ़ी बनाए गए हैं और लेटेस्ट तकनीक से हम एजुकेशन दे रहे हैं। किस तरह की रहते जाते हैं? हाँ जी किस तरह की रहते जाते हैं पंजाब से? हम यही चाहते हैं कि आम पब्लिक को जिससे बेनिफिट्स हो। किस तरह के बजट से महंगाई कम होगी? बजट के नॉमिनल होना चाहिए, जो टैक्सेस हैं वो जो है कम होने चाहिए और फैसिलिटीज़ जो है आम पब्लिक को उससे मिलनी चाहिए, ये खाली डॉक्यूमेंट्स में ना फैसिलिटी हो, ऑन ग्राउंड उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हाँ जी सर थोड़ा नाम? सतनाम सिंह। पंजाब सरकार का बजट पेश हो रहा है उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं पर सरकार को पूरी करनी चाहिए क्योंकि पेट्रोल के बहुत दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए सरकार से उम्मीद की जाती है कि आम लोगों का बजट पेश किया जाए। पंजाब सरकार की पिछले समय की कारगुजारी से क्या लगता है कि आपको कैसा बजट पेश होगा? मेरे तो यही है कि संतुलित बजट पेश होना चाहिए क्योंकि महंगाई की मार ना पड़े, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, तेल बढ़ गया है, सरकार को चाहिए कि वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट है वो लोगों को मुहैया करवाए ताकि लोग मोटरों पर आए जाएँ, ठीक है ना, इससे लोगों का पेट्रोल का जरा खर्चा कम होगा। किस तरह की रहते चाहते हैं? रहते भी चाहते हैं और उम्मीदें भी चाहते हैं, लोगों को महंगाई कम हो, पेट्रोल सस्ता हो, जो अपने मुलाजिम हैं उनको लिए भी सरकार उसके डीए का देना चाहिए, लोगों की जरा महंगाई कम होनी चाहिए। किस तरह के बजट से महंगाई कम होगी? संतुलित बजट से कम होगी, ठीक है ना। हाँ बस ठीक। हाँ जी सर थोड़ा नाम? ध्रुजमोहन। पंजाब सरकार का बजट आ रहा है आपको उससे क्या उम्मीदें हैं? बजट महंगाई और वधेगी, बजट ठीक नहीं होना, बजट के उन्होंने चाहिए बिजली सस्ती करन, पेट्रोल सस्ता करन, गैस की कीमत कितने चलेगी, ये यकदम फ्लक्चुएट कर रही है, यह कोई गवर्नमेंट बजट पेश नहीं अच्छा नहीं कर सकेगी, महंगाई और वधेगी। पंजाब सरकार की पिछली कारगुजारी से आपको क्या लगता है कि कैसा बजट पेश होगा? देख रहे हैं करप्शन बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तो पिछली कार्रवाई तो किसे कम दी नहीं पंजाब गवर्नमेंट की, निकम्मी कार्रवाई। कैसी रहते चाहते हैं आप? होए पर पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, गैस अपना सस्ता हो, हूँ थोड़े दिन गैस में नहीं अग लग गई, अपना गवर्नमेंट अपना वैट करा दे। आप कैसा बजट पेश होना चाहिए जिससे महंगाई कम हो? तो यही होना चाहिए जिसे डीजल पेट्रोल गैस बिजली ये कीमत घटा उसे कंट्रोल कर, बिल्कुल नहीं कंट्रोल होंगे पे तिना चीज़ों से, जो कि हर घर के जरूरत है जिन्हें, जेडे अमीर आदमी ने उन्होंने तो कोई फर्क नहीं पैंता, गरीबों को तो बहुत फर्क पैंता पे, गरीब पिछ रही है। थैंक यू। हाँ जी सर थोड़ा नाम? सोन सिंह अमृतसर दियारा नगर। पंजाब सरकार का बजट आ रहा है आपको उससे क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें जीरो, ये डाकू लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने बोला नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं दी, बिजली का 8 रुपये रेट था, बिजली का रेट 11 रुपये कर दिया इसने, 11 रुपये बाट, ये कैसे जीतेंगे लोग, इनको गालियां निकाल रहे हैं सारे शहर में कांग्रेस सरकार को। पंजाब सरकार के पिछले समय की कारगुजारी से क्या लगता है कि आपको कैसा बजट होगा? हमको लगता है और महंगाई होगी, अगर महंगाई नहीं करनी तो पेट्रोल का जो इसका टैक्स बनता है घटाए, अपना टैक्स घटाए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा रही है ना, वो टैक्स भी साफ बढ़ा है,
ये घटाए उसका टैक्स, पंजाब सरकार घटाए, कम करे रेट। किस तरह की रहते चाहते हैं? हम रहते चाहते हैं बिजली कम करे, बिजली का रेट क्यों बढ़ा दिया इसने? अमरिंदर सिंह ने बिजली का रेट बढ़ा दिया, किस लिए बढ़ाया? किस तरह के बजट से महंगाई कम होगी? बजट तो अच्छा होगा तो महंगाई कम होगी। गरीब को मदद करे, गरीब को नौकरी दे, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो गरीब कहाँ भूखा मरेगा? क्या भाव चाह रहा है? इतना महंगा भाव चाह रहा है, गरीब खा ही नहीं सकता कुछ, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? ये इस बार अमरिंदर सिंह नहीं आएगा, हम तो आपको वोट देंगे। पहले हम कांग्रेसी थे, कांग्रेस को वोट देते थे, अब आपको देंगे। आप वाले जहां खलोएंगे उनको वोट देंगे, इनको नहीं देंगे। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। पंजाब सरकार बजट आ रहा है, आपको उससे क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल जीरो उम्मीद है जी। पहली गल तो यह वै कि एक MLA 5 साल MLA बनता वै, उस तो बाद नाल ही उसकी पेंशन लगती है। तो दूसरे सरकारी इंप्लाई जरा 2004 तो बाद भर्ती और NPS लागू किया हुआ है, उन्होंने कोई पेंशन नहीं मिलती। एक बंदा 35 साल नौकरी करता उन्होंने पेंशन से, एक तो एक बंदा लोगों की सेवा वास्ते 5 साल वास्ते आता वा तो उन्होंने पेंशन मिल जाती है। पंजाब सरकार के पिछले सरकारी कार्यकाल से आपको क्या लगता है कि कैसा बजट होगा? गरीब पंजाब सरकार कहती है जी रोज़गार आप योजना लागू की है जी, एक बच्चा MBA है या जरा BTech है या जिन्हें MTech की हुई है तो उन्होंने रोज़गार के मिलनी जो 10,000 तनखा है, क्या एक MTech बच्चा जिसे बंबा बने वास्ते दादा 20-20 लाख रुपया खर्च किया, क्या 10,000 रुपये तक गुजारा कर सकता वा? अगर उन्होंने तो उनकी क्वालिटी के मुताबिक उन्होंने तनखाह दी है, घट्टो 40-50 हज़ार रुपया तनखा देता। अब पंजाब के जिन्हें भी बच्चे पढ़े लिखे है या फॉरन जाते पे है तो या उन्होंने जॉब भी उन्होंने पंजाब तो बाहर मिल गई, जेडे बंद पंजाब से जॉब इन्ने एजुकेटड बंद मिलती पी है और तनखा जो 10,000 होगी तो क्या पंजाब से नौकरी करेगा? और नैचुरली बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे जाएगा। किस तरह की रहते चाहते हो? जे बंदे की क्वालिफिकेशन हिसाब से इतने इंडस्ट्री इतने बिल्कुल नहीं मिलती पी हैगी, जेड़ा भी बच्चा अगर अच्छी जॉब चाहता तो उन्होंने पंजाब जो नौकरी नहीं मिलेगी तो इतने आटोमैटिकली बेरोजगारी बढ़ेगी, जरा पंजाब का एजुकेटड बंदा बाहर जाई जाएगा तो दूसरे लोग इतने रह जाएंगे। किस तरह के बजट से महंगाई कम? सब तो पहला तो बिजली का रेट कटना चाहिए, सब तो पहला बिजली का जिनी बिजली का रेट कटने चाहिए पंजाब जी। पंजाब गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल से सबसिडी लेंदी है और रेट सबसिडी घटा दे आटोमैटिकली पेट्रोल का रेट घट जाएगा। जो आप अपनी सबसिडी अपनी भी सबसिडी छड़नी नहीं तो नैचुरली पेट्रोल जो पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो डीजल का रेट बढ़ेगा तो सारे दायरे ये आते हैं तो महंगाई आटोमैटिक बढ़ेगी तो गरीब आदमी का नुकसान होगा। हाँ जी मैम अपना नाम दस की जी। मेरा नाम सिंपल नागपाल है ते केंद्र सरकार तो बहुत उम्मीदा लाइया से जिन्हों चो एक भी उम्मीद जी है वो खरी नहीं उतरी तो हूँ साड़िया सारिया उम्मीदा जीडिया वो आके पंजाब सरकार से रुक गई ने कि जो साड़िया गल्ला जो वादे केंद्र सरकार ने पूरे नहीं किए वो घट्टो घट पंजाब सरकार साड़ी गल समझेगी तो पूरे करेगी। घट्टो घट रसोई दी चीज़ा जीडिया ने सू बहुत दिक्कत है वो पूरी करेगी। राहत देखो जी सब तो वड्डी गल है कि रसोई जी दिनों दिन साढ़े हाथ चो बाहर निकलती जा रही है। ठीक है कि एक तो सिलेंडर जोड़ा बहुत महंगा हो गया जितने दो सब्जियां बनाने बारे आप सोचते हूँ तो भुल ही गया हूँ तो एक बनाई दी सोच के कि सिलेंडर बहुत महंगा है तो दूजी बार इन भराना बहुत औखा है। ठीक है इस तो इलावा जी सब्जियां ने उन्होंने बाजार जाके जी अं 5-5 किलो 7 किलो घर लैके रख ले दी हूँ तो वही काम छड़ देता हूँ तो 1.5 से 2 किलो के ही मसा आप सोच के लें कि चलो साडा हाथ तंग रहा चीज़ों का रेट ही डबल हो गया तो की कर सकता कोई जी। मेरी पंजाब सरकार तो सिर्फ यही उम्मीद है कि घट्टो घट एक जी रसोई की जी गैस है वो थोड़ी सस्ती होनी चाहिए है तो जी सब्जियां रोज़ रोज़ जिन्हें वंग वधदी पई है जिमें कि प्याज टमाटर चीज़ा यह सस्तियाँ होनी चाहिए।